मुझे प्रेरित किया कि तुम ये काम अच्छा कर सकते हो और तुम इसे करो। गोविंदा मेरे कज़न ब्रदर हैं, वो मेरी बुआ जी के लड़के हैं, अरे सबसे बड़ी बुआ जी के लड़के। उनसे आपने कितनी प्रेरणा ली है? जी देखिए, गोविंदा जी इतने अच्छे परफॉर्मर हैं, इतने अच्छे डांसर हैं, उनसे सिर्फ सीखा जा सकता है। मैंने उनसे, जब भी मैं उनसे मिलता हूँ, कुछ ना कुछ उनसे सीखने को ही मिलता है। उनके वीडियोस देख के, उनके गाने देख के, उनकी मूवीज़ देख के, हर वक्त सीखने को। हमारे स्टार्टिंग के स्केड्यूल में मेरे ख्याल से 12 या 13 तारीख को गोविंदा जी हमारे सेट पर आए थे और वो काफ़ी आए और हम लोगों को आशीर्वाद दिया। उनका बहुत ही अच्छा स्वभाव है और हम लोगों को सेट पर उन्होंने बहुत अच्छे से सहारा और उन्होंने मुझे शुभकामनाएँ भी दी। इस फिल्म में मेरी दो दो भूमिकाएं हैं और मैं इसमें डबल रोल प्ले कर रहा हूं। एक तो इंस्पेक्टर के रोल में और दूसरा उसका भाई है जो कि अय्याश और मस्ती खोर है। तो ऐसे मेरे दो कैरेक्टर हैं इस फिल्म में। बिल्कुल, कहानी कुछ इस तरह है कि फिल्म में दो भाई हैं जो दोहरी भूमिका में हैं और इनके पिताजी जो मुश्ताक खान जी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो भी दोहरी भूमिका में, जिनका एक कर्नल का रोल है और एक धोबी का रोल है। तो कुल मिलाकर हमारी फिल्म जो है कॉमेडी और रोमांटिक ड्रामा तरह। हमारे पिताजी का फिल्मी सफ़र हमारे चाचा जी के साथ, चाचा जी आनंद जी के साथ शुरू हुआ। तो मेरे चाचा जी और पिताजी साथ में मिलकर डायरेक्शन उन लोगों ने शुरू किया और काफ़ी टाइम से उन लोगों ने ये काम किया और आज भी कर ही रहे हैं। तो इस तरह से वो डायरेक्शन में आए। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक आर्टिस्ट जब अपना पूरा परफॉर्मेंस देता है, अपना वेल परफॉर्म करता है, तो उसको अपने को कॉन्फिडेंस होता है। मुझे भी ये कॉन्फिडेंस है कि मैं जो परफॉर्म करूँगा तो आर्टिस्ट मुझसे ये उम्मीद रखें कि मैं उनकी आशाओं पे खरा उतरूँगा। तो डांस पिक्चराइज हो रहा है, ये मेरा रिवीलिंग शॉट है। इसमें फर्स्ट लुक आएगा मेरा सेकंड वाले कैरेक्टर का जो अय्याश और मस्ती खोर है। तो डांस थोड़ा पार्टी वार्टी मस्ती सॉन्ग है कि मैं इस फिल्म से उम्मीद करता हूँ कि यह धमाल मचा देगी, ब्लॉकबस्टर है, कमाल फाड़ू। आप लोग इसे फील करिए और ये आने वाली पर्दे पर इंतज़ार करिए, हम लोग फाड़ के रख देंगे। झमेले पे झमेला। जी, झमेले पे झमेला। पहले मैं आप लोगों का स्वागत करना चाहता हूँ, आप लोग मेरे पास आए, धन्यवाद। इसके साथ ही मैं कुछ शुरू करूँगा। झमेले पे झमेला ये जो मेरी फिल्म है, ये आज के युग में एक मैसेज भी देती है, हास्य से भरी हुई है, स्टंट भी है और इस कहानी में डांस रोमांस भरपूर है। और मैं आज की आवश्यकता अनुसार, आज की च्वाइस के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये फिल्म पूरी तरह से दर्शकों को मनोरंजन देगी। जैसा कि हमें पता है कि इस फिल्म में हीरो आकाश गहरवार की दोहरी भूमिका है और मुश्ताक खान की भी दोहरी भूमिका है और बीच में कन्फ्यूजन्स होते हैं, कहीं ये कॉमेडी ऑफ एरर्स टाइप की तो चीज़ नहीं है? नहीं नहीं नहीं, इसमें दोहरी भूमिका मुश्ताक भाई की भी है, दोहरी भूमिका रज्जाक खान साहब की भी है, आकाश की भी है। एंड ये आप कहें तो मैं अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे गुरुजी ने नरम गरम एक फिल्म बनाई थी, मैंने उनसे शिक्षा ली, ऋषिकेश शंकर जी, मेरे छोटे भाई आनंद जी और मैं, हम दोनों ने उनसे शिक्षा ली और मेरे फिल्म कैरियर स्टार्ट भी वहीं से होता है कि आनंद जी ने नरम गरम जैसी फिल्म के प्रोड्यूसर बने और मेरे गुरुजी ऋषिकेश मुखर्जी ने डायरेक्शन दिया। वो तो फिल्म है, ये जानते हैं। तब तो इससे तो ये पता चलता है कि जिस तरह उस समय गोविंदा को शुरुआत करने वाली फिल्म भी आप ही लोगों की थी। हाँ हाँ, ये एकदम सच है कि मेरी नरम गरम के बाद दूसरी फिल्म मेरी बनी तन बदन, प्रोड्यूस एंड डायरेक्ट बाई आनंद। मेरे छोटे भाई थे, मेरे चार भाइयों से छोटे, मैं भी साथ ही रहता था, मैं भी वही काम करता था। और गोविंदा जी की पहली फिल्म है तन बदन, खुशबू जी की भी पहली फिल्म तन बदन, चित्रगुप्त जी के लड़के आनंद मिलिंद जी की भी पहली फिल्म तन बदन, और तन बदन के बाद ही गोविंदा जी की फिल्म आई लव 86 इल्जाम, प्रहलाद साहब की और दिनेश की। उस फिल्म से इन लोगों ने शुरुआत की, काफी सफलताएं पाई हैं और अब आप इस फिल्म में गोविंदा के भाई आनंद गहरवार को लॉन्च कर रहे हैं, आप क्या उम्मीद करते हैं कि आनंद गहरवार इस फिल्म से कितनी दूरियां नापेंगे? देखिए, तो ईश्वर के ऊपर, आपके प्रेम के ऊपर, उनके कार के ऊपर है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा, इनके ऊपर गोविंदा जी का संपूर्ण आशीर्वाद है और उन्होंने ऐसा किया भी कि जैसे जब भी मौका मिलता है, जहाँ भी मौका मिलता है, मेरे भाई को आशीर्वाद, मेरे लड़के को आशीर्वाद देने आ ही जाते हैं और आए भी वो, और उनकी शुभेच्छा भी है।
कि आकाश जो ऊंचाइयों तक पहुंचे। जैसा कि हमने अभी देखा आपके पिक्चराइजेशन के दौरान, आकाश के अंदर बहुत सारी खूबियां थी डांस के रूप में जी। क्या विधिवत इस आकाश ने इसकी बराबर कई समय से ट्रेनिंग ली है या कुछ कुदरती है उसके अंदर? देखिए, ये तो ईश्वर की दया, गॉड गिफ्टेड तो है ही है, और ऑल्सो थोड़ा बहुत जो हम जानते हैं, मैंने अपने ही स्वभाव से उसको डांस, एक्टिंग एंड कॉमेडी जो कुछ भी कही अपने ही घर में सीखा उसने, और गोविंदा जी जो उसके मार्गदर्शक है ही हैं। हाँ, उसको आपके निर्माता धीरेन्द्र रवानी जी की ये फर्स्ट फिल्म है, हिंदी फिल्म जी जी। आप दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे हुआ? देखिए, धीरेन्द्र रवानी जी के बारे में अगर कहा जाए तो एक ऊंचे व्यक्तित्व के आदमी जो हर कलाकारों की संपूर्ण इज्जत करना जानते हैं, और रेनबो ग्रुप के चेयरमैन हैं, बड़े आदमी हैं। बड़े आदमी होने से ये स्वाभाविक नहीं कि आप हर आर्टिस्टों की, लेकिन उनका खूबी है कि हर आर्टिस्ट की इज्जत करना, और फिल्म बनाने का शौक है, और हम दोनों में आपस में पटाव हुआ। सामने देखा। हाँ, ठीक है। कैसे प्लानिंग बनी इस फिल्म की? हाँ, ठीक है, ठीक है, एकदम ठीक है, ठीक। इनका दिलो दिमाग चलता रहता है, हमारे प्रोड्यूसर धीरेन्द्र रवानी जी का दिलो दिमाग चलता रहता है, ये बिजनेसमैन है। अच्छा अच्छा, बोलिए। तो इनकी यही यही रखी है, पिक्चर बनाने के दिमाग में आया और इन्होंने शुरुआत कर दिया। आपको इस फिल्म में निर्देशक के रूप में राजेंद्र जी को लेना और कलाकार के रूप में आकाश गहरवार जी को लेना, ये आपके क्या विचार कैसे था, कैसे क्या सोच के आपने इन लोगों को लिया? ये अब एक तरह से रीएंट्री हुई है राजेंद्र जी की, और एक नए लड़के को जो गोविंदा का भाई भी है उसे ब्रेक मिल रहा है एज अ डांसिंग एंड एक्शन, हर चीज़ इस फिल्म के अंदर। देखिए, डायरेक्टर आरपी सिंह जी बहुत मंजे हुए खिलाड़ी, पुराने खिलाड़ी हैं मुंबई के, कई पिक्चर इन्होंने बनाया, ये सोचकर हम लोगों ने इनको लिया। और दूसरी बात कि इनके लड़के और गोविंदा जी का भाई आकाश कुमार घरवार, ये 15 साल से ये भी इस लाइन के बारे में काफ़ी जानकारी इनके अंदर में है, और काफ़ी खूबियाँ है इनके अंदर में। ये हम लोगों ने देखा, एक महीना वाच किया, वाच करने के बाद में इनको लिया और हम लोग इनके साथ पिक्चर। क्या उम्मीदें हैं इस फिल्म से आपकी? ये पिक्चर हमारी सुपरहिट हो गई। आप खुद भी इसमें एक भूमिका निभा रहे हैं, अपनी भूमिका के बारे में बताइए। मैं इस पिक्चर में दीवान का रोल किया हूँ, और हमारी पिक्चर शुरू से लास्ट तक का है अभिनय। इसमें मेन हीरोइन प्रिया मिश्रा, जो एक बिना माँ बाप की लड़की है, अपने भाई को पढ़ा रही है, लिखा रही है, उसके लोगों ने बहुत क्रश करता है, एक बार डांसर है बेचारी, तो इसे सहारा की जरूरत था, तो एक मैं दीवान के रूप में आया और इसे अपनी बेटी बनाया। मैं इसके अच्छा, थैंक यू। कुछ और बोलना चाहते हो आप? डायलॉग दे दीजिएगा। नहीं, मैं अपना प्रोड्यूसर के बारे में बोलना चाहता हूँ। बोलिए। हमारे प्रोड्यूसर माननीय धीरेन्द्र रवानी जी, ये मुंबई में पहला पिक्चर शुरुआत किए झमेले पे झमेला, और उनकी दिमाग चल रहा है। इसके बाद फिर जनवरी से शुरू करने जा रहे हैं एक पिक्चर और, जिसका नाम अभी रखा हूँ मैं डॉक्टर हूँ, और लगातार इस मुंबई में पिक्चर में बनाऊँगा। हमने सुना है कि रवानी साहब का एक सपना है अमिताभ को लेकर फिल्म बनाने का, वो अगर ऐसा उनका सपना है तो हकीकत में बदलेंगे। क्योंकि मुझे चलिए बोलिए सर। हाँ बोलिए 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 ना, बिल्कुल दीजिए, पूरा डायलॉग बोलना पड़ेगा। जितना बोल पाएगा अभी, मतलब महेश साहब से ये खान कुछ नहीं बताया ना, अभी देखो दीवान का डंडा देखते ये खान बका बक बका बक बका बक बकेगा।